हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम पहुंच चुके हैं कुकुरदेव मंदिर, जो कि बालोद जिला में खपरी ग्राम में स्थित है। यह मेन रोड में ही आपको मिल जाएगा। बालोद जिला के समीप मालीघोरी ग्राम में ग्राम खपरी के पास है यह मंदिर, कुकुरदेव का मंदिर। कुकुरदेव छत्तीसगढ़ में डॉग कुत्ते को कहते हैं कुकुर। तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि कुकुरदेव मतलब डॉग का मंदिर बनाना पड़ा। कोई भी पहली बार जब ये सुनता है कि यहाँ पर कुकुरदेव का मंदिर है तो यह बात उनके गले नहीं उतरती। लेकिन जब वो सुनते हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए हम भी वो कहानी सुन लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण कुकुरदेव मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है गाँव में पहले बंजारों की बस्ती थी। उनमें से एक बंजारे के पास था एक पालतू कुत्ता। लेकिन अकाल पड़ने के कारण बंजारे को अपना प्रिय कुत्ता साहूकार के पास गिरवी रखना पड़ा। साहूकार उस कुत्ते को अपने घर ले आया। यूं ही दिन चल रहे थे, तभी एक दिन अचानक साहूकार के घर चोरी हो गई। घर में जितना भी सामान था, जितने भी पैसे थे, वो सब उठाकर चोर ले गए। कुत्ते ने चुपके से चोरों का पीछा किया और यह जान लिया कि चोर ने चोरी का माल कहाँ छुपा रखा है। कुत्ते ने चोरों को तालाब के किनारे चोरी का माल छुपाते हुए देख लिया था। अगली सुबह कुत्ता साहूकार को चोरी का सामान छुपाए स्थान पर ले जाता है और साहूकार को चोरी का सामान मिल जाता है। कुत्ते की वफादारी को देखकर साहूकार बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, उसका दिल खुश हो जाता है और कुत्ते को मुक्त करने का निर्णय लेता है। साहूकार कुत्ते की वफादारी का सारा विवरण एक कागज में लिखता है और उसके गले में बांध देता है और उसे मालिक के पास जाने के लिए छोड़ देता है। कुत्ता दौड़ते हुए अपने मालिक के पास जाता है। अपने कुत्ते को साहूकार के घर से लौट कर आया देखकर बंजारा बहुत ही क्रोधित होता है और कुत्ते को डंडे से पीट पीट कर मार डालता है। कुत्ते के मरने के बाद उसके गले में बंधे पत्र को देखकर उसे अपने गलती का एहसास होता है। बंजारा अत्यधिक दुखी हो जाता है। बंजारे ने अपने प्रिय स्वामी भक्त कुत्ते की याद में मंदिर प्रांगण में ही कुत्ते की समाधि बनवा दी। बाद में किसी ने यहाँ कुत्ते की मूर्ति भी स्थापित कर दी। आज भी यह जगह कुकुरदेव मंदिर के नाम से विख्यात है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। आज भी मंदिर प्रांगण में स्थापित कुकुर अर्थात कुत्ते की यह मूर्ति लोगों को कर्तव्य निष्ठता, त्याग और वफादारी का संदेश दे रही है। इस मंदिर का निर्माण फणी नागवंशी शासकों द्वारा 14वीं से 15वीं शताब्दी में कराया गया था। इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर शिवरात्रि में मेला लगता है। साथ ही यहाँ आपको बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं भी दिखाई देंगी। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से कुकुर खांसी और कुत्ते के काटने का भय नहीं रहता है। लोग यहाँ शिवजी के साथ साथ कुत्ते यानी कुकुरदेव की वैसे ही पूजा करते हैं जैसे शिव मंदिरों में नंदी की पूजा की जाती है। क्या आप भी इस मंदिर में आ चुके हैं या अपने आसपास ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में जानते हैं जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं और नए नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय जोहार।